नमस्कार, मैं हूं अंकिता सिंह। आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज 24। बस्ती से देसी शराब की दुकानें हटाए जाने को लेकर ग्रामीणों ने भरी हुंकार। जहां एक तरफ उत्तर प्रदेश सरकार ने आदेश जारी कर सरकारी देसी शराब की दुकानों को गांव बस्ती से कम 250 मीटर दूरी पर रखने के जिले आबकारी विभाग को सख्त निर्देश दिए थे, लेकिन वहीं आबकारी विभाग के अधिकारी इसे नज़रअंदाज करते नजर आ रहे हैं। जी हां, मामला जिला हमीरपुर के ग्राम भेड़ी डांडा का है, जहां पर बस्ती के बीच में सरकारी देसी शराब की दुकान होने के कारण बस्ती में रह रहे लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बस्ती के अंदर दुकान होने के कारण लोग वहीं दारू पीकर भद्दी भद्दी गालियां और हंगामा करते हैं, जिससे बस्ती में रह रही महिलाएं और बच्चों पर बुरा असर पड़ता है। इतना ही नहीं, देसी शराब की दुकान से मात्र 100 मीटर की दूरी पर राजकीय हाई स्कूल भी संचालित है, जिससे छात्र छात्राओं को भी आने जाने में समस्या होती है, जिससे बस्ती निवासियों सहित छात्र छात्राओं ने भी सरकारी देसी शराब की दुकानों को बस्ती से बाहर रखवाने की मांग की है, जिसमें ग्रामीणों ने जिलाधिकारी को पत्र लिखा है। अजय प्रजापति। नाम है आपका और कहाँ पढ़ते हैं आप? देव सिंह नाम है हमारा। हम रात में भेड़ी राजकीय स्कूल में पढ़ते हैं। क्या समस्या है आपको? हमारे यहाँ रास्ते में जब आते हैं तो वहाँ पर ठेका है, यहाँ दारू की शीशी मिलती है, और जब हम यहाँ पढ़ने आते हैं तो यहाँ भी मिलती है, हमें उठा उठा कर फेंकना पड़ता है। लगभग कितनी दूरी होगी यहाँ से ठेका की? बस थोड़ी दूर है, 100 मीटर के समथिंग। हाँ हाँ। भेड़ी डांडा में दारू की दुकान बस्ती में, जिससे लोग गाली गलौज पहुँच देते हैं, इससे लोगों को हानि पहुँचती है। यहाँ के लोग एक दूसरे को बहुत बुरी तरह से गाली देते हैं, इससे बहुत हानि पहुँचती है लोगों को। हंगामा करते हैं पूरा।